पूरी कहानी तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि एक बुंगली गांव है यहाँ से 7-8-10 किलोमीटर दूर। तो वहाँ के लोग लेके आए थे कलकत्ता से कालिका माता की शक्तिपीठ को, वो अपने गांव ले जाना चाहते थे। बट रात को उन्होंने रात्रि विश्राम किया यहाँ पे, तो शक्तिपीठ को यहीं पे रखा उन्होंने। तो जब सेकेंड डे वो लोग उसको ले जाने लगे, तो कहते हैं कि उसको ले जा नहीं पाए या कुछ हुआ होगा। मैया का मतलब यहीं रहने का मूड होगा या मन जो भी होगा, अच्छा लग गया होगा मैया को, तो यहीं पे, यहाँ से गई नहीं मैया, मतलब यहीं पे रहेगी। तो तब से यहाँ पे मंदिर है और इसको तब से मान्यता मिली और यहाँ पे सभी भक्तगण, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पे स्थापना की ऐसे बोल। सभी मित्रों को नमस्कार। तो कैसे हैं, उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे। मैं दीप पाठक, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो यार अभी मैं गंगोली आर्ट गया हूँ, तो अभी मेरे को जाना है कालिका मैया के दर्शन के लिए मंदिर पे। तो आप लोग बने रहिए और आपको भी मैया जी के दर्शन कराए जाएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से मंदिर को पहले, आज चलेंगे हम जवाई जी के साथ। यार मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, अभी देखना आसमान में बादल हैं और बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं। हो सकता है बारिश हो जाए कुछ टाइम बाद। और मौसम बिल्कुल पूरा बंद हो रखा है, अभी देखो आसमान में पूरे बादल छाए, कोहरा भी लगाया, देखो ना पूरा कोहरा ही कोहरा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा सामने। तो यहाँ से है मंदिर के लिए प्रवेश द्वार, काफी सुंदर है मतलब यहाँ ना, और चलने के लिए काफ़ी अच्छा रास्ता भी बना है इसमें। और यहाँ पे पूरा गेट बना है पहले जय कालिका मैया की, और ये पूरा तीन सेट का सही बना रखा है इसमें MES पिथौरागढ़। तो यार मंदिर में जाकर के ना मतलब चलने में काफ़ी अच्छा फीलिंग आती है, सुकून सा मिलता है ना। गणेश जी भैरव देवता मंदिर, सामने बोर्ड भी लगा है इसमें श्री गणेश मंदिर। तो यहाँ पे करते हैं दिया बत्ती पहले, फिर चलेंगे आगे मेन मंदिर पे नीचे। तो अभी हम जाएंगे अब मेन मंदिर पे। सो सबसे पहले इसमें आ गया है तृतीय कुमाऊं राइफल्स, जय माँ हाट काले का, जय हो जय हो जय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और अब पहुंच रहे हैं हम, जैसे जैसे अंदर को जा रहे हैं ना, तो जो घंटी होती है ना, घंटी की जो साउंड होती है काफी अच्छी लगती है, मतलब कानों में इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना उसकी, वाओ। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ, ये हैं भोले बाबा हमारे, जय हो भोलेनाथ, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी खुश रहें सुखी रहें। तो यार हमने भोलेनाथ जी के दर्शन कर लिए यहाँ पे, और अभी जाएंगे कालिका मैया के दर्शन करते हैं। शक्तिपीठ हुई यहाँ पे, अलाव नहीं होता है वीडियोस बनाने मंदिर के अंदर का शक्तिपीठ का, तो हम बाहर से ही आपको इसका दर्शन कराएंगे यहाँ पे। और भोले बाबा के दर्शन तो हमने करा दिए, और मंदिर के जो चारों तरफ का प्रांगण है आपको यहाँ पे दिखाएंगे। उसमें मैया जी का जो मेन है शक्तिपीठ यहाँ अंदर है, तो इसकी वीडियोस अंदर से हम ले नहीं पाते हैं यहाँ पे, अलाव नहीं है। तो हम बाहर का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ का, कैसा है मंदिर का प्रांगण। और इस साइड पे कुछ कुंड टाइप का बनाया, हवन कुंड, अगर कोई कथा वगैरह होती होगी तो यहाँ पे हवन वगैरह होगा, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा बना रखा है ये। और इस साइड को फिर ये रहने के लिए, और अगर जो भी मंदिर का जो सामान वगैरह होगा उसको रखने के लिए धर्मशाला वगैरह बनी है। और यहाँ से फिर अभी नीचे को गेट है, मुक्तेश्वर मंदिर है शिव जी का, यहाँ से फिर एक अच्छी सी गुफा है वहाँ, मतलब देखने लायक है, दर्शन करने के लिए अच्छा है मतलब। ठीक ठीक, यहाँ से लगभग कितना होगा वो? 1.5-2 किलोमीटर होगा। अच्छा, मैं तो बचपन में गया था मतलब। अच्छा, आप भी नहीं गया? गया, हाँ, तो मैं भी नहीं गया अभी से। दोबारा आएंगे नेक्स्ट टाइम, दोबारा नेक्स्ट टाइम पे जब भी मौका मिलेगा ना, तो फिर एक बार पक्का होके आएंगे और आप लोगों को भी वहाँ के दर्शन कराएंगे, और कैसा है क्या है ये आपको भी दिखाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियोज में। तो यहाँ से है रास्ता मुक्तेश्वर, यहाँ से हम जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के बाद हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, और सीढ़ियाँ बनी है यहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे वहाँ के दर्शन। फिलहाल यहीं से भोलेनाथ के लिए एक। तो यार जो नीचे गुफा है ना मुक्तेश्वर वाली,
उसके लिए यहाँ से बढ़ता है रास्ता है, वहाँ गेट से होते हुए यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे पूरा घना जंगल है। देखिए ये देवदार के पेड़ हैं यहाँ बड़े बड़े से, और लगभग लगभग पाताल भुवनेश्वर की तरह है वो गुफा। अच्छा, ऊपर कोई जैसे पहाड़ है, ऊपर जाके कुंड है बढ़िया सा। अच्छा, मतलब पहाड़ हल्का हल्का याद है बचपन का, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। ठीक, अभी पहले नीचे जाएंगे फिर वहाँ से थोड़ा सा ऊपर को। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम चलेंगे जब भी आएंगे ना। नॉर्मली कालिका मंदिर में सब लोग आते हैं ना, वहाँ आइडिया नहीं होता। हाँ, तो उतना पता नहीं है तो लोग वहाँ भी जा नहीं पाते हैं। तो देखेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को भी नेक्स्ट टाइम पे जब भी टाइम मिलेगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे ना। मंदिर में एक बात तो है यार, सुकून मिलता है ना, एकदम शांति शांति मिलती है, अच्छा अच्छी फीलिंग आती है। और ये पेड़ देखो ना कितने बड़े बड़े हैं यार ये, वाह। और यहाँ से फिर जो शक्तिपीठ है उसका मेन द्वार यहाँ से अंदर है, अंदर अभी गेट बंद है, अभी खुले नहीं है। और यहाँ पे जो बाहर का सजावट है ना काफ़ी अच्छी बनी है यार, देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है यहाँ से, वाह। और चलते हैं इस साइड को, अभी दूसरे छोर से आपको दिखाते हैं मंदिर का प्रांगण कैसा है नीचे साइड को। नीचे साइड का व्यू कुछ इस टाइप का है, इस साइड भी पूरा घना जंगल है और हल्का हल्के कोहरा भी लगाया भी है, तो प्रॉपर दिख नहीं रहा नीचे साइड को। चारों तरफ का नज़ारा मतलब इस टाइप से है, पूरे देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे, और इन देवदार के घने जंगल हैं, उन जंगलों के बीच में फिर ये मंदिर है यहाँ पे कालिका मैया का। और ये सारा कुमाऊं की जो रेजिमेंट है उसके द्वारा शायद बना होगा ये पूरा का पूरा, कुमाऊं रेजिमेंट से है ये पूरा लिंक। हमारी मिलिट्री फोर्स का ना काफ़ी ज़्यादा आस्था है, मतलब पाटा का पूरा तो नहीं पता है, बट ऐसे कहते हैं कि कहीं युद्ध चल रहा था बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब नाव डूबने वाली थी बोलते हैं इनकी, मतलब जलियान में थे, जलियान पूरा डूब चुका था, तो बोलते हैं कि मतलब इन्होंने माता को पुकारा था अंतिम समय में, तो तिनके के सारे भी ये लोग मतलब पार के आ। अच्छा, तो मैया ने अपनी जो चमत्कार कह सकते हैं हमको उसको दिखाया, तो वहाँ से आस्था जगी हुई है। फिर मंदिर का पीछे साइड से व्यू है और एक गुंबद वगैरह बनाया ऊपर से, और मैया जी के शेर बने हैं दोनों के दोनों इस साइड से उस साइड से, और यहाँ पे हनुमान जी की एक मूर्ति भी है। हनुमान जी जय बजरंगबली। तो यार आज बता रहे हैं ना कि जो मंदिर का जो मेन गेट है उसको खोलने में टाइम लगेगा, लगभग 10 बजे का टाइम है शायद आज, पहले तो 8 बजे के टाइम पे हो जाता था, और आज कुछ आजकल शायद लेट चल रहा है, तो अभी यहाँ नहीं तो ज़्यादा हमको फिर टाइम लग जाएगा। तो ऐसे ही मैया के दर्शन हमने कर लिए यहाँ से। कहते हैं कि जो भी दानव हैं उनको मारने के लिए मतलब धरा पे ना, जितने भी दानवों का राज ज़्यादा हो गया था, तो उनको उनका समापन करने के लिए मैया ने अवतरित हुई थी, तो अवतार लिया था, और जितने भी दानव थे सबका सर धड़ से अलग करके अपनी माला बना करके अपने गले में इस टाइप से मतलब इस टाइप का अपना रौद्र रूप दिखाया था माता ने। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है मतलब, तो चलते हैं अभी, जाना भी है और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, इन्होंने भी जाना है अभी रुद्रपुर की ओर को निकलेंगे, और मैं बैनाक की ओर को, तो फिर और आएंगे कभी मंदिर में, फिर आपको और दर्शन कराएंगे नीचे जो एक शनि देवता का मंदिर भी है, वहाँ का जो मेन जो नीचे गुफा वगैरह है वहाँ भी चलेंगे। और इस साइड पे एक मंदिर और बता रहे हैं शनि देव का। मैं बैरीनाग से, नमस्कार। अरे बैरीनाग से। अच्छा, वहाँ गुफा बंद है। अच्छा अच्छा, ऑक्सीजन नहीं है मतलब वहाँ भी। अच्छा अच्छा, मतलब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहती होगी वहाँ पे। आप कहाँ से हुए? मैं बेटा टनकपुर से आई। अच्छा, टनकपुर से। ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है फिर। आशीर्वाद। जय शनि महाराज। तो ये हैं शनि महाराज यहाँ पे, और इस साइड पे ना इनके अगल बगल में पीपल के पेड़ हैं, और लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं यार। ये सामने है ये वाला पीपल का पेड़ है, बेड़ू कहते हैं, बेड़ू बेड़ू। और ये मेरे को आइडिया नहीं आ रहा यार, ये बेड़ू बता रहे हैं, पता नहीं कौन सा है, ये बेड़ू भी नहीं है ये।
आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को पता होगा तो मेरे को भी पता चल जाएगा कि काहे का पेड़ है करके। पीपल के साथ हर जगह होता है। अच्छा, ये साथ साथ में होते हैं। ये तो पीपल वाला है, अब इसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मतलब पता नहीं चल रहा, मेरे को सुना भी नहीं है मैंने। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए इसको, ये कौन सा पेड़ है करके। तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी मंदिर के लिए जो भी आसिका वगैरह जो भी सामान चाहिए होगा, मतलब अगरबत्ती धूप वगैरह ना, तो सारा यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और रहने के लिए भी है यहाँ पे, शायद होटल वगैरह भी है ना ऊपर साइड, रहने के लिए भी यहाँ पे होटल वगैरह हैं। अगर कोई दूर दराज के लोग हैं तो वो भी आके यहाँ पे विश्राम वगैरह कर सकते हैं। जय हो, जय। तो चलते हैं फिर, अब अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बारिश आने वाली है, सब्जी वाली।